अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस सेकंड क्लास एंटरप्रेन्योरशिप एडवांस। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि मैनेजरियल वर्सेस एंटरप्रेन्योरियल डिसीजन मेकिंग। लास्ट क्लास में हम कंटिन्यू कर रहे थे इसी चैप्टर को, और आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, मैनेजीरियल वर्सेस एंटरप्रेन्योरियल डिसीजन मेकिंग, क्या इसमें डिफरेंस है या वो जो कंटिन्यू हमने किया था? ओके, काजेस फॉर इंटरेस्ट इन कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं और इसी को हम आगे ले जाएंगे। इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन डूइंग यूर ओन थिंग एंड डूइंग इट ऑन वन्स टर्म्स। New search for meaning and impatience has caused more discontent in structured organizations. Organizations are encouraging corporate entrepreneurship, stimulating and capitalizing on employees who think that something can be more differently and better. देखें जी, इसमें इस कंसेप्ट ये है कि जी कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप यही करता है कि स्ट्रक्चर वाइज और आपको इस चीज पे इंस्टिगेट करता है कि कैसे आप डिफरेंट सोचो और आप कैसे ऑर्गेनाइजेशंस या एक कॉरपोरेशन की तरफ थिंकिंग करो उसको डेवलप करने के लिए। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि जब तक आप थिंकिंग, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग और डेवलपमेंट और अंडरस्टैंडिंग ना हो, यू कैन नॉट बी अ गुड एंटरप्रेन्योर। अच्छा, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप इज मोस्ट स्ट्रॉन्गली रिफ्लेक्टेड इन द फॉलोइंग एंडीवर्स। इन मुख्तलिफ चीज़ों में कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप रिफ्लेक्ट होता है। न्यू बिजनेस वेंचरिंग, ये बड़ा अहम है। द क्रिएशन ऑफ न्यू बिजनेस विद एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक और एक ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है। आज मैं एक पढ़ रहा था, एक वीडियो मेरे साथ शेयर हुई है व्हाट्सएप पे, कि जी पेप्सी किस तरीके से 1959 में अमेरिका से यूएसएसआर यानी कि रशिया में इसने इंटरवेंशन की, और वहाँ पे इसने मतलब उस जमाने के आइजनहावर जो था उसने सोचा कि मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट था कि मैं यूएसएसआर में अमेरिकन कल्चर को प्रमोट करना चाहता हूँ। तो पेप्सी ने इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाया, वो भी गया हमरा था अमेरिकन प्रेसिडेंट के, वहाँ पे डिस्कशन हुई ख्रोशीफ की जो यूएसएसआर का प्रेसिडेंट था और अमेरिका का सदर, उसके बीच में डिस्कशन हुई कम्युनिज्म कैपिटलिज्म पे, और फाइनली ये डिस्कशन किस तरह एंड अप हुई कि उसने पेप्सी उसे ऑफर की, और फिर मतलब ये कि पेप्सी इंटरवीन किया गया 1972 में अमेरिका में, यूएसएसआर में पेप्सी बहुत ज़्यादा फेमस और काफ़ी आर्डर लगे। मतलब ये कि जी आप वेंचर अपॉर्चुनिटीज, जो कहना मैं चाहता हूँ अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऑर्गेनाइजेशन या तो एक नया बिजनेस ही स्टार्ट कर ले, और या एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑलरेडी एक बिजनेस में हो किसी दूसरे बिजनेस की तरफ चला जाए, या एक नई कंपनी। तो ये वेंचर अमेरिका में कॉरपोरेशन कंपनी रजिस्टर करना, और ये मतलब वहां पे लैंड ऑफ कॉरपोरेशन है, सोल प्रोप्राइटरशिप से ज्यादा कॉरपोरेशन, लाइबिलिटी कम होती है। आपने अगर फाइनेंस तो आप माशाल्लाह उसके बैकग्राउंड में होंगे, कॉरपोरेशन में यही फायदा होता है, ठीक है, टैक्स वगैरह में आपको वो थोड़ी सी होगी, लेकिन ये कि अहम चीज ये है कि उसके अपने फायदे। तो एनीवे ये कहता है कि जी इसके मुख्तलिफ काइंड्स हैं, न्यू बिजनेस वेंचरिंग या नया बिजनेस स्टार्ट करो, या फिर एक कॉरपोरेशन या एक कंपनी ऑलरेडी एक बिजनेस में हो और दूसरी की तरफ चला जाए। इनोवेटिवनेस, ये बड़ा अहम है। इनोवेशन आजकल के ज़माने में ज़मीन, पैसा, लोग, इनकी इम्पोर्टेंस है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंस किस चीज़ की है? इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। आपके साथ कुछ नहीं है, यू हैव आइडियाज, यू हैव इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। मतलब डिस्पाइट ऑफ दिस स्लाइड्स और दिस बुक और थ्योरी, मैं एक चीज़ आप सब लोगों के लिए ऐड करना चाहूँ कि आप आजकल के ज़माने की जो रिसोर्सेज हैं, इफ़ यू हैव, इफ़ यू वॉन्ट टू ग्रो, तो वो क्या है? इनोवेशन और क्रिएटिविटी। ये जो ठीक है, एक टाइम पे आप कहेंगे कि यार इसकी तो कोई डिमांड नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पुराना हो रहा है। एक जमाने में एग्रीकल्चर की डिमांड थी, वो खत्म हो गया। एक जमाने में इंडस्ट्री प्रोडक्शन की डिमांड थी, वो खत्म हो गया। फिर सर्विस की डिमांड, वो खत्म। आजकल नॉलेज इकॉनमी, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, जितना आप आइडियाज आपके साथ हैं, तो
हाँ नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर। ट्रू, मैं यही कहूंगा क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट है और ये मैंने कहा था कि ये इसमें जितना हम बजाय कि एक चीज को रट्टा लगाएं और पढ़ें, ये जरूरी है, हम इसको टच करेंगे, लेकिन अहम चीज प्रैक्टिकल है। मैं आपको ये कहूंगा, आई सजेस्ट यू कि आप NIC को विजिट करें, बेशक ऑनलाइन जरा चेक कर लें एज असाइनमेंट, एज एक्सरसाइज, एज अ दूसरा साइंसेज वालों का भी जरा आप मॉडल चेक करें कि वो क्या कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग जी। और तीसरा है पेशावर 2.0, पिलूज कॉलोनी में है और ये प्राइवेट इंक्यूबेशन सेंटर है, बाकायदा ट्रेनिंग करते हैं काफी, मतलब पिचिंग करते हैं आइडियाज और वो आपको बताते हैं कि जी इनोवेशन। एनीवे इनोवेशन क्या है, प्रोडक्ट एंड सर्विस इनोवेशन विद एम्फेसिस ऑन डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी। हमारे साथ पहला मोबाइल जो था 1998-96 में वाले साहब ने लिया था, एम्स का, एम्स का मोबाइल था, एक था पाकटेल और एक था इंस्टा 1, और उसका कार्ड था 1200 रुपए, और वो मोबाइल इतना बड़ा था, तकरीबन मैं कहूंगा कि 9 9 तो खैर नहीं, एक था 10 इंच का और एक थोड़ा सा 11 इंच का था कि 8 इंच 9 इंच का था, और बड़ा अजीब सा उसका टेलीफोन हैंडसेट की तरह, रिसीवर की तरह मोबाइल था। फिर 1200 रुपये उसका कार्ड होता था और 15 रुपये मिनट बात होती थी, इनकमिंग जो था उससे भी कोई फोन करता था तो हम कहते कि यार ये फोन ना ही करे तो अच्छा है, मतलब उस पर इतना खर्चा। दूसरा CLI फैसिलिटीज नहीं थी, मैसेजिंग नहीं होती थी। फिर रफ्ता रफ्ता क्या हुआ, यू फोन आया, मोबाइलिंग तो खैर 1992 में था वो, लेकिन वो भी बड़ा एक्सपेंसिव। टेक्नोलॉजी आम होती गई, फिर सैमसंग आया कैमरा फोन, आजकल आप देख रहे हैं कि जी कितनी डेवलपमेंट आ गई है। गूगल क्या कहते हैं, ये सैमसंग एक टाइम में था, फिर सैमसंग को आईफोन ने सरपास किया, फिर मतलब ये कि चाइनीज ब्रांड्स को आप देख लें, हवावे, टेक्नो, ओपो, ये चीजें किस चीज, कौन सा, वीवो, यस, ये किस चीज पे कम्पीट किए इन्होंने, जो आईफोन और अमेरिका तक चला गया है अपने, मतलब ये कि लिहाज और रख रखाव को छोड़कर, वो भी एक वार, ट्रेड वार में एंटर हो गया। क्यों? इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल चेंज, शिफ्ट, डेफिनेटली। आजकल मैं देख रहा था, उस दिन आप भी ये वीडियो देखो, नेट पे अवेलेबल होगी, मेरे साथ किसी ने शेयर की थी कि जी एक चाइनीज मोबाइल का वो बताया था कि जी सेल में मल्टीमीडिया, हम कितना बड़ा मल्टीमीडिया 1 लाख 1.5 लाख रुपए का फिराते हैं और बड़ा इनएफिशिएंट और बड़ा एक्सपेंसिव, सेल फोन में एक ऐप के तौर पर मल्टीमीडिया। तो अब ये क्या है, दीज आर इनोवेशन। तो ये कहता है कि प्रोडक्ट एंड इनोवेशन एंड सर्विस इनोवेशन, इसमें इसका फोकस किस पे होता है, डेवलपमेंट और इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी। और एक चीज और, उस बिजनेस की डिमांड चली गई है, एंटरप्रेन्योरशिप हम पढ़ रहे हैं ना, उस बिजनेस की डिमांड चली गई है जिसमें आप कोई फिजिकल कोई चीज बेचते हो, आजकल है टेक एंटरप्रेन्योर, आपके साथ टेक बेस्ड आइडिया नहीं है ना तो यू आर नॉट एंटरप्रेन्योर, वो ग्रोथ। और दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप में एक कंसेप्ट, एक चीज याद रखो, सस्टेनेबिलिटी फॉर द टाइम बीइंग, या मतलब ये कि एक महीने एक दिन के लिए एक चांस की बात नहीं है, या वंस इन अ ब्लू मून, दिस इज नॉट अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जरूरी है कंसिस्टेंसी हो, ग्रोथ होगा, ये ज्वाइंट स्टॉक कॉर्पोरेशन तक चलेगा, ये फिर मल्टीनेशनल तक चलेगा, और ये मतलब एक्सपेंड करता जाएगा। अगर इसमें ये नहीं है तो इट इज नॉट एंटरप्रेन्योरल आइडिया, क्योंकि इसमें वो ग्रोथ का एलिमेंट है। एनीवे, सेल्फ रिन्यूअल, ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू रिन्यूअल ऑफ द की आइडियाज ऑन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज बिल्ट, सेल्फ रिन्यूअल। लेकिन रिन्यूअल ऑफ आइडियाज कभी भी हार्ड एंड फास्ट नहीं होते, क्योंकि माइंड कम्प्लेक्स है, इसमें इनपुट कम्प्लेक्स आता है, बार बार आता है, रिकरिंग, आप सोचते भी सोचते हैं अपने आइडियाज पे, तो रिन्यूअल ऑफ आइडियाज होगा। और यही क्या करती है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन, ये आइडिया फिर ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट हो जाती है। अब देखें, एक आइडिया था कि मैं कैसे हार्ड डिस्क, फिजिकल हार्ड डिस्क के बजाय कैसे मैं अपने फाइल्स को सेव करूंगा, ये आइडिया बढ़ता गया क्लाउड पे, आप देख रहे हैं ना, क्लाउड और पूरी मैनेजमेंट, पूरी कंपनीज क्लाउड को मैनेज करती है, कोई इंडिविजुअल तो नहीं, क्लाउड। आप देखें कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, ये आपको बता देंगे, iOS को देखें, हवावे को देखें, जितने भी सेल फोन हैं उनका अपना क्लाउड, गूगल ड्राइव को आप देखें। अब देखें गूगल ड्राइव हमें तो एक आम सी, एक बेजान सी, एक वेब बेस्ड कोई चीज नजर आती है ना, कि www.google.com, लेकिन इसके बेस पे बिलियन ट्रिलियन डॉलर कॉरपोरेशन है,
और कितने थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज आर वर्किंग। जबरदस्त बहुत फायदे हैं जी, बहुत फायदे हैं क्लाउड के। और बड़ा मतलब एक एडवांस टेक्नोलॉजी, प्रोएक्टिवनेस बड़ा जरूरी है। जिस तरह हमने लास्ट टाइम से मेरा ख्याल हमने इसको टच किया था कि प्रोएक्टिवनेस, आप पहले से एक स्ट्रेटजी बनाते हो ताकि आने वाले प्रॉब्लम्स को आप मीट कर सको। देखिए इनिशिएटिव ये बड़ा जरूरी है, रिस्क टेकिंग ये अहम है, कॉम्पिटिटिव एग्रेसिवनेस एंड बोल्डनेस। अगर आप में ये चीजें नहीं है, देखिए ये कब आएंगी, ये बड़ी बड़ी बातें जो हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्रेसिवनेस बोल्डनेस रिस्क टेकिंग, ये आप पे डिपेंड करता है इफ यू आर कमिटेड। अगर आप 9 to 5 वाले बंदे हो यू कैन नॉट बी एंटरप्रेन्योर, क्योंकि लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योर आप कमिट कर दिया है तो आपके लिए चीजें जरूरी हैं कि आप मार्केट पे नजर हो। आपकी कॉम्पिटिटिव एज, कॉम्पिटिटिव एग्रेसिवनेस, आपका कॉम्पिटिटर कौन है पहली बात, क्या कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, एंड व्हाट वेयर यू आर स्टैंडिंग, मेरी बात आप समझ रहे हो। और बोल्डनेस कितनी है, बोल्डनेस मींस डिसीजंस में बोल्डनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट, ब्रीफली हम इसको पढ़ेंगे ताकि आप बोर ना हो जाएं। ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स ऑन फ्रंटियर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, अहम चीज क्या है, टेक्नोलॉजी। सेकेंड थिंग आइडियाज एनकरेज किए जाना, ट्रायल एंड एरर इस पे कोई शर्माना नहीं है कि गलती हो गई, फेल्यूअर्स अलाउ हो करो, क्योंकि इंसान वो उर्दू में एक एडियम है कि नाकामी कामयाबी का जीना है, ठीक है। नो अपॉर्चुनिटी पैरामीटर्स, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है कि जी ये अपॉर्चुनिटी है, दिस इज नॉट अपॉर्चुनिटी, ए इज अपॉर्चुनिटी, बी इज नॉट, देयर इज नो पैरामीटर्स। इवन आप थ्रेट में भी अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, इट्स अप टू यू, नजर का कमाल है और आपकी सोच का। रिसोर्स अवेलेबल एंड एक्सेसिबल, रिसोर्सेज शुड बी अवेलेबल और एक्सेसिबल, अवेलेबिलिटी नहीं है। देखिए हमारे साथ कितने बिलियन डॉलर जर मुबादला के ज़खायर लेट सपोज आ गए, लेकिन अगर ये एक्सेसिबल ना हो, इससे कोई ऐसी स्ट्रेटजी ना हो कि आवाम तक एक्सेसिबिलिटी ना हो, तो फिर चाहे वो मुल्क हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कुछ भी हो। और जो साहब के ऑर्गेनाइजेशन में पूल में गाड़ियां खड़ी हैं और आपको फील्ड विजिट के लिए, आपको किसी ऑफिशियल काम के लिए परमिशंस पे परमिशंस और फिर वेट और फिर मुख्तलिफ लोगों से चैनल से पास होना पड़ता है, आप कहते हैं कि इससे अच्छा है कि मैं 200 रुपए की टैक्सी में चला जाऊं, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में ना आइडियाज जनरेट होते हैं और ना ये ग्रोथ करती हैं। आप देखें बदकिस्मती से, वेरी बदकिस्मती हकीकत है, हमारे मुल्क की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी कारपोरेशन फॉर्चून 500 में, मैं कहूँगा कि 1000 में भी इसने जगह नहीं बनाई, 500 तो बहुत बड़ी बात। Are you getting me? Multidiscipline teamwork approach. Multidiscipline teamwork approach. Marketing, finance, HR, procurement, production. इनके बीच में team concept हो. Team. अगर resource grabbing की बात हो या internal politics हो, तो sorry, entrepreneur या मतलब इस तरह की सोच परवान ही नहीं चढ़ती, क्योंकि ये culture है। ये नहीं है कि जी मैंने आज corporation बना दी, Google की इक्विटी या उसके मार्केट वैल्यू में कहता हूँ पाकिस्तान के जीडीपी से के बराबर होगी, एक छोटी सी एक कारपोरेशन ही है ना, हमारा मुल्क है इस न्यूक्लियर पावर और वो कारपोरेशन। आप इसके मुकाबले में पेप्सी को देखें, आप इसके में टीएनडी उसको देखें, मोटरोला को देखें, आप इसके मुकाबले में फेसबुक को देखें। 2011 में इसकी इक्विटी $70 बिलियन थी, हमारा जीडीपी $240 बिलियन उस टाइम पे, और गूगल का $91 बिलियन, हमारा जीडीपी $240 बिलियन, और अभी ये कितनी बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई। कहने का क्या मतलब, टीम अप्रोच। मैं एक प्रोडक्ट नोकिया स्लो हुआ है, आईफोन तेज हुआ है, टेक्नो आप देखें टेक्नो के उसके कैमरे, अब ये टेक्नो का कैमरा या ओप्पो का या इनकी टेक्नोलॉजी क्यों आई है, मल्टी डिसिप्लिन टीम अप्रोच। आर यू गेटिंग मी? और दूसरी बात आपने ये भी देखना है इन विच मार्केट यू आर ऑपरेटिंग, स्टेटिक है डायनेमिक है। अगर आप स्टेटिक मार्केट, आजकल तो स्टेटिक मार्केट नहीं है, टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया नेट वगैरह और ये ग्लोबलाइजेशन तो खैर पहले से था, इनकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि यू आर वर्किंग इन अ स्टेटिक एनवायरनमेंट, डायनेमिक एनवायरनमेंट। ट्रंप के स्टेटमेंट पे, उसकी स्पीच पे या बाइडन की स्पीच पे, हमारे खैबर एजेंसी के विलेज में या दीर या शांगला या सुवात, यहाँ पे एक घर में या एक मार्केट में टमाटर की कीमतें फ्लक्चुएट होती है, अंदाजा लगाएं।
5,000 किलोमीटर, 5,000 अमेरिका यहाँ से 5,000 माइल्स, इतना ही तकरीबन उसका फासला है। कितनी कितना बड़ा इफेक्ट आ गया ओवरनाइट, ओवरनाइट। तो कहने का क्या मतलब, मल्टी डिसिप्लिन टीम, लॉन्ग टाइम हॉरिजन। अगर आप शॉर्टकट पे और आप एक छोटे टाइम स्पेन के लिए एब्रप्ट एक किस्म की, इसे कहते हैं सीमा ऑफ शिफ्ट, अगर आपकी इस तरह का सोच है कि जल्दी से कुछ काम करो फिर आगे की देखी जाएगी, दिस इज लॉन्ग टर्म। आप कितना, आप कंसिस्टेंसी, आज यहाँ पे हो। मैं एक जगह पे पढ़ रहा था, बल्कि पढ़ के आ रहा था, यस, मैं एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, वहां पे बीआरटी की एक टीम आई थी और उनका हेड कौन था, वर्ल्ड बैंक का जो था कंसल्टेंट, कंसल्टेंट क्या जो हेड था, ऑस्ट्रेलियन कोई था, और आप नेट पे भी देख सकते हैं, क्लीन शेव एक ऑस्ट्रेलियन है, नाम उसका मुझसे भूल गया है, तकरीबन 5-6 साल से पाकिस्तान पिशावर में है, और वो कहता है कि मैं पिशावर बन गया हूँ, पिशावरी। मीटिंग में उसने जो बात की, उसके मुंह की बात, उसने कहा कि बदकिस्मती से या सॉरी टू से पाकिस्तानी या पठानों में स्पेसिफिकली या पाकिस्तानियों में भी एज अ नेशन मैंने देखा है कि दे बिलीव इन शॉर्टकट। आप में से मैं कहूँ कि यार 5 साल की प्लानिंग बताओ, आप कहोगे यार हमें से किसी के पहले मेरे साथ फिर आपके किसी के साथ 5 ईयर्स की प्लानिंग नहीं। और हमें, हम जब किसी को कोई हमें कहते हैं ना कि आप अपने लिए 5 ईयर्स की प्लानिंग मुझे बना दो, हम उसे कहते हैं यार ये बेवकूफ, इज अ सिंपल, इज कल्चर उस तरह। और यहाँ पे बात यही है कि एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करो, रॉन्ग टर्न पे, रॉन्ग वे, ट्रू। वॉलंटियर प्रोग्राम ये बड़ा जरूरी है हर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी अमेरिकन और इसका कल्चर का हिस्सा है, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो उनका मतलब ये कि ग्रेवयार्ड सर्विस हो, चाहे उनका मतलब ये कि कोई सोशल कंट्रीब्यूशन हो, या मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, रिलीजियस हो, मटीरियलिस्टिक हो, जहाँ पे हो, वॉलंटियर का कॉन्सेप्ट वहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आप देखते हैं ना ACRC और IRC और मतलब MIR, जितने भी ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए फ्लड्स के लिए और नेचुरल कैलेमिटीज डिजास्टर्स मैनेज इनकी आते हैं, तो उनमें वॉलंटियर्स, ये वॉलंटियर पेड होते हैं। हाँ, और वहाँ पे देखें, आप देखें यहाँ पे जब हम मेडिसिन का तजुर्बा करते हैं, यहाँ पे देखें और वहाँ पे वॉलंटियर्स, वो तो डेफिनेटली वॉलंटियर अगर अपना टाइम निकालेगा सब कुछ करेगा, उनको मोटिवेशन देने के लिए और फ्यूचर के लिए वो देते हैं वाउचर्स वगैरह, ठीक है ना, इवन स्टूडेंट, सब चीजें वॉलंटियर, मतलब यू आर विलिंग टू डू, जबरदस्ती नहीं है। अब इस कल्चर को आप देखें ना, जबरदस्ती नहीं, यू आर विलिंग। अप्रोप्रिएट रिवार्ड सिस्टम, अगर आप कहते हो कि मैं एक बड़ा लीडिंग कारपोरेशन बनूं, प्रॉफिट कम एंटरप्रेन्योर, रिवार्ड सिस्टम आपका नहीं है ना, देखें फाइनेंशियल रिवार्ड सिस्टम इन्होंने पहले से बता दिया, अप्रोप्रिएट रिवार्ड, अप्रोप्रिएट मीन द मोर यू वर्क द मोर रिवार्ड यू गेट, और जस्टिफाई, तो फिर तभी आपको क्या हो सकता है, आपका कल्चर डेवलप हो सकता है। स्पॉन्सर्स एंड चैंपियंस अवेलेबल, ये बड़ा जरूरी है। एक चीज मैं बता दूं, ये कहते हैं एंजल्स, आपके साथ आइडिया है कि जी मैं लेट सपोज कोई रिसाइकल कर सकता हूँ, गार्बेज से रिसाइकलिंग, लेट सपोज ये आइडिया है मेरा, या मैं शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए, या मतलब हेल्थ का या ट्रैफिक का सॉरी कोई मसला है, तो अब इसके लिए ये प्रोजेक्ट, इसके लिए आपने डोनर्स देखने होंगे, स्पॉन्सर्स या मतलब एंजल जिसे कहते हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स और बैंक्स के अलावा, क्योंकि फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बाद अवकात पैसे कम होते हैं या और इश्यूज, बैंक्स वगैरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इनकी रेगुलेशन ज़रा स्ट्रिक्ट होती हैं, तो फिर एक तीसरा वो भी है एक सोर्स ऑफ फंडिंग, उसे कहते हैं एंजल्स, फाइनेंसर्स, मेरी बात आप समझ रहे हो। तो ये कहते हैं कल्चर का नॉट ओनली आपके लिए अवेलेबल हो, बल्कि आप खुद भी जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा आइडियाज हो तो स्पॉन्सर्स एंड चैंपियंस शुड बी अवेलेबल। सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, ये बड़ा जरूरी है, टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट ना हो तो आइडियाज ना थ्राइव करता है ना फ्लोरिश करता है। लीडरशिप करेक्टर, अच्छा ये भी इसके, अंडरस्टैंड्स द एनवायरनमेंट, ट्रू, विजनरी एंड फ्लेक्सिबल, क्रिएट्स मैनेजमेंट ऑप्शंस, इनकरेजेस टीम वर्क, इनकरेजेस ओपन डिस्कशन, बिल्ड्स ए कोएलिशन ऑफ सपोर्टर्स एंड परसिस्ट। अच्छा देखिए जी, इनकरेजेस, ये एक चीज है ना, ओपन डिस्कशन, ऑर्गेनाइजेशंस में आप देख लें जहां पे भी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस, तो या जो डेवलप्ड और जो चाहती हैं कि हम काफी एक्सपेंड करें और
एक टेस्ट नॉलेज और उनकी, तो ओपन डिस्कशन, क्योंकि ओपन डिस्कशंस में चाहे वो कैंटीन, इवन अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस तो ये बताती है कि आपका कोई कैफेटेरिया है, मीटिंग पॉइंट है जहाँ पे एम्प्लॉयज बैठ के अपना बर्न आउट, अपने आइडिया डिस्कस कर सके। क्या तरीका है कि आप एम्प्लॉयज की सुने? जो ऑर्गेनाइजेशंस में ये मैकेनिज्म ही नहीं है कि एम्प्लॉयज के दिल में क्या चल रहा है मैनेजमेंट, ये ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस है और इनका टाइम आहिस्ता आहिस्ता खत्म। आप देख रहे हैं इनका मार्केट शेयर बहुत कम है, ये इनका मार्केट जो पाई है ना, मार्केट पाई, उसमें से इनका इनका हिस्सा बहुत कम होता है और ये खत्म होने की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि जब ग्रोथ नहीं होगा आप, मतलब ये कि क्योंकि टेस्टेड मॉडल है, लिखा था कहते हैं कि जी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड यही है कि आप एम्प्लॉयज को इनकरेज करोगे फॉर ओपन डिस्कशन। एस्टैब्लिशिंग कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप इन ऑर्गेनाइजेशंस, स्टेप वन। स्टेप वन क्या है? सिक्योर ए कमिटमेंट टू कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप इन द ऑर्गेनाइजेशंस बाय टॉप अपर एंड मिडल मैनेजमेंट लेवल्स। एस्टैब्लिश कैसे करोगे कि टॉप अपर एंड मिडल मैनेज लेवल्स की जो वो है मैनेजमेंट, उनकी कमिटमेंट कि मैं कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप बनाऊंगा। क्योंकि अगर वो दे आर नॉट कमिटेड, ये तो थ्री टीयर्स है ना, मिडल अपर लोअर, ये आर नॉट कमिटेड टू डेवलप अ कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप, तो तब तक कुछ नहीं हो सकता। एस्टैब्लिश एन इनिशियल फ्रेमवर्क एंड एम्ब्रेस द कॉन्सेप्ट। अंडरस्टैंड करना, एक फ्रेमवर्क डेवलप करना, फ्रेमवर्क कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, हर जगह पे अपना एक फ्रेमवर्क होता है किसी के काम करने का। जब हम कहते हैं लीगल फ्रेमवर्क, मुशरफ ने एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया था, इस तरह पॉलिटिकल लेवल पे अपना फ्रेमवर्क, ऑर्गेनाइजेशंस पे अपना फ्रेमवर्क, काम करने का तरीका, मोडेलिटीज, क्या करेंगे, मेरी बात आप समझे, कौन क्या करेगा, किस तरीके से काम अंजाम पाए। एनीवे, आइडेंटिफाई, सेलेक्ट एंड ट्रेन कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स। अगर कोई कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स हैं पोटेंशियल, आपने उनको आइडेंटिफाई करना है, सेलेक्ट करना है और ट्रेनिंग इनकी देनी है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या कहते हैं, EDI, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, और फिर इस तरह के स्टार्टअप्स वगैरह। मैं एक टाइम पे इस्लामाबाद, उनका मेंबर भी था, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का, इस्लामाबाद का लीडिंग एंटरप्रेन्योरशिप इदारा, और उसने तमाम एंटरप्रेन्योर कॉन्फ्रेंस, हर साल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाता था ये जना कन्वेंशन सेंटर पे। तो इस्लामाबाद में ये चीज़ अगर हम देख लें, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में वो बाकायदा एंटरप्रेन्योरशिप की अपनी ट्रेनिंग करवाते हैं, और हकीकत भी है, नया टेल एंटरप्रेन्योर, हाँ पापा सालिस, नाम सुने आपने ना, इस्लामाबाद में आप चले जाओ, एंटरप्रेन्योर ग्रोथ कर रहा है, काफी उसकी ब्रांड्स हैं, और इस तरह के जमशेद का जो जे मॉडल है, जे ब्रांड एंटरप्रेन्योर्स, हाँ जे डॉट, और इस तरह सो मेनी, आप देख लें मलक रियाज, ही इज अपने आप में एक एंटरप्रेन्योर, यानी कि प्रॉपर्टी और टाउनशिप की पूरी स्ट्रक्चर उसने चेंज कर दी। और हकीकत भी है, आप अगर उसको देख लें, उनकी मॉडलिटी, उनके काम करने का तरीका, आप उनको जरा स्टडी करें किसी टाइम, आपको ये तमाम चीजें जो हम पढ़ते हैं ना, ये भी दे आल्सो गॉन थ्रू दीज कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि यहाँ तो किताबों में वेस्ट, और यहाँ पे तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट होता है। रिवार्ड सिस्टम कैसा है, एम्प्लॉयज फोकस्ड है, आइडियाज कैसे आते हैं, और बिलीव में जब आप, इसलिए मैं कहता हूँ आपके साथ सो मैने आइडियाज होंगे, इनोवेटिव, क्रिएटिव, बस आप में एक चीज है जिससे आप बढ़ते, वो है रिस्क टेकिंग, मेरी बात आप समझो, यू हैव सो मेनी आइडियाज। तो इसी तरह हर हर इंसान में एक एंटरप्रेन्योर छुपा होता है, उसकी लर्निंग। एनीवे, स्टेप टू क्या है? पहली चीज तो क्या थी, आप कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करो आप कि मैंने ये करना है, समझो, और उसके विलिंगनेस। स्टेप टू, आइडियाज, एरियाज, टॉप मैनेजमेंट जिसमें इंटरेस्टेड है वो आइडेंटिफाई करो, रिस्क, कितना रिस्क, लॉस का खतरा कितना हो सकता है, रिस्क, मनी अवेलेबल, उसके ऊपर काम करो, ओवरऑल प्रोग्राम एक्सपेक्टेशंस एंड टारगेट रिजल्ट्स, जो भी बिजनेस आप करना चाहते हो ना, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मैं अफगानिस्तान के साथ कोई बिजनेस करता हूँ, मैं इंडिया के साथ, या मैं मतलब ये कि अपना कोई वेंचर स्टार्ट करना चाहता हूँ, हाँ, तो अब उसके लिए फिर आपने ओवरऑल आपने देखना है कि ये कितना प्रॉफिट करेगा, क्या टारगेट अचीव करेगा और किस तरीके से जाएगा, ओवरऑल प्रोग्राम। एस्टैब्लिश मेंटोर, स्पॉन्सर, याद रखें मनी एक बिजनेस के लिए तीन चीजें बड़ी जरूरी है, 3 M's। लोग तो कहते हैं मशीनरी और मटेरियल और मनी, लेकिन मैं कहता हूँ एक दूसरा कंसेप्ट, ये कहता है, मैं नहीं, दूसरा कंसेप्ट वो कहता है, मनी मनी एंड मनी,
पैसे इतने जरूरी हैं और ये बदकिस्मती से स्केर्स हैं, तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि मेंटोर आपकी ट्रेनिंग करें और स्पॉन्सर भी आपके साथ एक सिस्टम। स्टेप थ्री, टेक्नोलॉजी टू इंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। ये किताब जब लिखी गई और ये जब थी तो खैर इसका रिवाइज वर्जन भी हैं, आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की इतनी अहमियत है, बिकॉज आजकल का एरा टेक्नोलॉजी बेस्ड है। टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर की हो सकती है, टेक्नोलॉजी बिजनेस की हो सकती है, क्लाउड सिस्टम। आजकल अगर आप कहते हो ना कि मैं एक स्कूल खोलता हूँ, व्हाट स्कूल, और उसके लिए मेरे साथ 50 एम्प्लॉइज लेट सपोज हो, तो इसके लिए भी आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत है, सॉफ्टवेयर जो कि आपका पे सिस्टम मैनेज कर सके। आर यू गेटिंग मी? परफॉर्मेंस अप्रेजल मैकेनिज्म, क्योंकि अगर आपके साथ बिजनेस आना शुरू हुआ तो डेफिनेटली आपको टेक्नोलॉजी का, वैसे भी प्री और पोस्ट दोनों लेवल में आपको जरूरत है टेक्नोलॉजी की। स्टेप फोर, आइडेंटिफाई इंटरेस्टेड मैनेजर्स टू ट्रेन एम्प्लॉयज एंड शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। एम्प्लॉयज को इंटरेस्टेड मैनेजर्स जो हैं उनको ट्रेन करना और अपने एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर करना। स्टेप फाइव, डेवलप वेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू गेट क्लोजर टू इट्स कस्टमर्स। डेवलप वेज फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू गेट क्लोजर टू इट्स कस्टमर्स। कस्टमर्स के साथ कैसे क्लोज होंगे, क्या तरीकेकार होंगे कस्टमर, देखें जिस तरह एक कॉन्सेप्ट है ना, कस्टमर इज द किंग, कस्टमर फोकस, कस्टमर सर्विस, कस्टमर बिजनेस लाता है। और ये भी है कि पीटर डरकर मैनेजमेंट का गुरु था, उसने अपनी किताब में लिखा कि जी प्राइम गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ए कॉरपोरेशन इज टू डेवलप या मेक कस्टमर्स। मेरी बात आप समझ रहे हो, कस्टम तो ये कहते हैं कि आपने कस्टमर के साथ क्लोज कैसे होना है। ये कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, आजकल तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के मॉडल्स भी आप देख लेना, ये एफर्ट्स हो रही हैं कि कस्टमर के साथ कैसे क्लोज। तो आप तो फिर जब एक प्राइवेट सेटअप में आप एक काम कर रहे हो अपना एंटरप्रेन्योरल, तो यू शुड फोकस ऑन इट। स्टेप सिक्स, लर्न टू बी मोर प्रोडक्टिव विद फ्यूअर रिसोर्सेज। देखिए जी, मुश्किल काम तो है लेकिन इसने कहा लर्न टू बी, सीखो। 10 लोग हैं इनएफिशिएंट। अब देखिए मैं एक नाम नहीं लूंगा लेकिन चलें आपके सामने ही है, PIA। कितने जहाज थे? 500 जहाज थे कि 50 जहाज थे, और उसके ऊपर एम्प्लॉयज इतने ज्यादा, हर जहाज पे 500 एम्प्लॉयज। जी यस, अब देखें ना, हाँ तो वो मिल मिला के काफी बड़ी रेशियो बनती है। अब आप देखें ये प्रोडक्टिव मॉडल नहीं है, एफिशिएंट नहीं है। स्टील मिल, अब देखें ना, ये इसकी बात मैं बिल्कुल एंडोर्स करता हूँ, और ये ब्लीडिंग पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, और ये कोई हिडन सीक्रेट नहीं है कि जी मैंने रिलीव ये मतलब। तो कहने का क्या मतलब, याद रखें न्यू रियलिटी आपके सामने, जॉब्स और इस तरह की बातों में इस तरह नो, बस ये एग्जास्ट हो गया, इट इज एग्जास्टेड। अभी यही है, लर्न टू बी मोर प्रोडक्टिव। आपके साथ एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इसके कोई मॉडल्स नहीं है ना, ये आपका इस तरफ ध्यान नहीं है कि मैं कम टाइम में ज्यादा काम। पहले तो हम ऐसे बंदे को कह रहे थे यार ये क्या अजीब बंदा है, ये तो पहले से काम नहीं करता और आखिरी दिनों में या कम टाइम में ज्यादा काम। दिस इज द क्वालिटी ऑफ ए जीनियस। यही बंदा फिर आम हालात में एडजस्ट नहीं होता और ये फिर एंटरप्रेन्योर बन जाता है। मेरी बात आप समझ रहे हो? तो ये भी बड़ा बहुत बड़ा स्किल है कि आपने ए ग्रेड भी लिया और आखिरी दिन स्टडी भी की, तो मतलब ये कि यू आर वेरी मच, अब ये आपकी आपकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। एनीवे, आप कम रिसोर्सेज में प्रोडक्टिव हो सकते हो, दिस इज इंपॉर्टेंट। सेवन स्टेप क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रक्चर फॉर कॉर्पोरेट। आपके साथ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रक्चर तो हो लेकिन स्ट्रॉन्ग हो, मैनेजमेंट की तरफ से, एम्प्लॉयज की तरफ से, और मतलब है कि टॉप मिडल लोअर तमाम मैनेज पूरा और ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करे कि नाउ वी शुड डेवलप आवर सेल्फ इन कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। एट क्या है, टाई रिवार्ड्स, वही बात, रिवार्ड्स पे बड़ा फोकस। फाइनली इम्प्लीमेंट एन एवेल्युएशन सिस्टम दैट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स यूनिट्स टू एक्सपेंड एंड अनसक्सेसफुल वंस टू बी इन। देखिए फाइनली बड़ी मजे की बात की है, पंच लाइन या मतलब कंक्लूड किया इसने, एवेल्युएशन सिस्टम, मेरी वाली बात, परफॉर्मेंस अप्रेजल मैकेनिज्म, पेम्स का जो मॉडल है ना, परफॉर्मेंस
मैकेनिज्म सिस्टम आपका जो है, मेजरमेंट सिस्टम, एवेल्युएशन सिस्टम। जैक विल्च के बारे में आपने सुना तो होगा, जनरल इलेक्ट्रिक का सीईओ था, मैंने पहले भी क्लास में कहा था। उसके टाइम में 440% से 4000% पे प्रॉफिट गया, 20 ईयर्स सीईओ था। उसका कमाल क्या था, उसने 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल और क्वार्टरली करता था, 4 मंथ्स बाद एम्प्लॉयज को या रिटेन करता था एम्प्लॉय को, और या फिर फायर। ये हायर एंड फायर का कंसेप्ट जो इतना स्ट्रॉन्ग, या जो उसने ये इंट्रोड्यूस करवाया कि जी अच्छा है तो रिटेन करो, बुरा है तो फायर करो। ठीक है, इस पे अनएथिकल इश्यूज भी आए, लेकिन अगर आप ये नहीं करोगे उस पे भी लीगल और एथिकल कॉम्प्लिकेशंस आए थे। अच्छा, इसने एक दूसरा गुड, इसने मैकेनिज्म ऐसा डेवलप किया, ये नहीं कि आते ही इसने लोगों को फायर किया, लेकिन ऐसा भी है, इसकी केस स्टडी आप पढ़े, इसने आते ही कॉर्पोरेशन से लोगों को फायर किया, कंपनी लीगल उसमें भी फंस गई, मसला भी बना। लेकिन अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ये है कि जी लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक, लेकिन वो दूसरी इश्यूज हैं, उसमें भी मतलब अगर देखा जाए, आपने अपना परफॉर्मेंस सिस्टम कितने टाइम के लिए लिखे, केपीआईज मीट किए हैं, नहीं किए तो बस यू विल गो। इम्प्रूवमेंट का टाइम भी अगर आपको दिया जाए, लेट्स सपोज उसके बाद भी आप इम्प्रूव ना करो, तो फिर तो हमारे मुल्क में तो ये कल्चर नहीं है, सिफारिश आ जाती है या और कोई चीजें आ जाती हैं। लेकिन हकीकत यह है कि आप ये डेवलप करोगे, और मैं ये भी नहीं कहता कि इनह्यूमन, मैं आपको ये मशवरा नहीं देता, वेस्ट के मॉडल्स भी सारे अच्छे नहीं है, वैल्यूज, इमोशंस, कल्चर, केयर, ये अभी वेस्ट ये बातें अपने मॉडल्स में ला रहे हैं। तो परफॉर्मेंस एवेल्युएशन सिस्टम, अगर ये फाइनली जो मैंने कहा है ना, अगर आपका बंदा अच्छा काम करता है, लेट्स सपोज परफॉर्मेंस खराब है, मौका दो ठीक काम करते हैं, नो नीड टू बी एलिमिनेटेड। जरूरी नहीं है कि वी शुड फॉलो इट हार्ड एंड फास्ट, ऐसा भी नहीं है। We have our minds and we have our culture. So many things: training, opportunities, exposure, learning, counseling, mentoring, coaching. ऐसा भी नहीं कि eliminated, ठीक है? लेकिन ये तो इसकी अपनी perception है. जरूरी है कि मेरे culture में ये fit. Problem and successful efforts. आएंगे problem, so many. देखें, a study found that new ventures started within the corporation perform worse than those started independently by entrepreneurs. ये interesting है. नया business, a company, अगर कोई नया business, for example, एक company है वो telephone बनाती है या computers बनाती है, और उसने एक नया venture start किया कि मैं एक mobile launch करता हूँ, let's suppose, नया venture. इसके मुकाबले में एक ऑलरेडी एक इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेशन है और वो कहती है